फिर से आपको स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, वेलकम इन मास्टरमाइंड में। और रोज की तरह आज भी कुछ आपके काम की चीज लेके आया हूँ, तो वीडियो को मिस मत कीजिए, देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो मैंने कुछ दिन पहले, दो या तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता होगा शायद, आपने मेरा वीडियो देखता होगा, देखे होंगे तो आपको पता होगा, एक वीडियो बनाया था मैंने बिहार कोरोना के सहायता के ऊपर, जो बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा फंड की तरफ से रिलीज किया जा रहा था 1000 रूपये का सहायता राशि आपको रिलीज किया जा रहा था। ये उन लोगों के लिए था जो बिहार छोड़कर किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं, कामगार मजदूर जो भी है, जिनके प्लांट बंद हो चुके हैं, काम बंद हो चुका है, कोई रोजगार नहीं उनके पास, तो यह सहायता निकाली गई है। बिहार कोरोना सहायता के नाम से ये एप्स है, उसमें निकाले गए थे। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो पूरा वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख लेगा कैसे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आज नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि बहुत लोग का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत लोग कॉल करके ये बोल रहे हैं कि वो एप्स जो अभी है रमा, जो वो एप्स है, कोरोना एप्स है, कोरोना सहायता एप्स है, वो काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा, न्यू अपडेट मांग रहा है, तो इसमें बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि जब मैंने आपको बताया तो ये प्रॉब्लम अगर आ रही है आपको, तो मैं जरूर उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालूंगा। तो मैं ये सोल्यूशन लेके आ गया हूँ, आप देख लीजिए पूरा, और उसमें नया अपडेट के लिए बोला गया है, तो पुराना वर्जन हो गया इसलिए वो काम नहीं कर रहा आपका। तो मैं इसमें वीडियो में पूरा दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फिर से डाउनलोड करना है, और उस वो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी वो अभी लिंक, जो नया लिंक है कोरोना बिहार कोरोना सहायता का, वो आपको यहां से डाउनलोड हो जाएगा और वहां से आप अप्लाई कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता देता हूँ वहां से। तो इसमें बहुत लोगों का पैसे भी आ चुके हैं, एक्चुअली मेरे भी आ चुके हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दे देता हूँ, देखिए यहाँ पे प्रूफ के साथ मेरे भी पैसे यहाँ पे आ चुके हैं 1000 रूपये। मैं ये फेक वीडियो नहीं था, ये मैं अपने ऊपर किया था, किसी को सभी को आए थे, तभी मैंने आपको ये बताया था अप्लाई करके। तो ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प हो सके और उनको भी ये कोरोना बिहार कोरोना सहायता से 1000 रूपये प्राप्त हो सके। तो उसमें कंडीशन क्या थी क्या नहीं थी, ये पूरा वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बस मैं ये जो प्रॉब्लम कैसे आई क्यों आई उसके बारे में जो सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ मैं, ये चलिए स्क्रीन पे यहाँ पे बता दूंगा, पूरा स्क्रीन पे बताता हूँ। तो ये लिंक जो है, ये जो खुल रहा है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको खोलेंगे तो डायरेक्ट ऐसा खुल जाएगा, फिर ये डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको वहाँ पर जो अभी दिखा वहाँ पे वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐसा कुछ डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद इसको ओपन कीजिए, ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का सबसे नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने इसमें। इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल जब हो जाएगा ये आपको, तो कुछ परमिशन मांगेगा तो आप उसको परमिशन भी दे दीजिएगा, फिर नीचे का ऑप्शन ओपन है उसको ओपन को ओके कीजिएगा, ओपन करते कुछ परमिशन है इसको आप परमिशन को दे दीजिए, यहाँ पर जो भी ऐसा आएगा उसको ओके करते जाइएगा, अलाउ करते जाएगा, और फिर कुछ ऐसा फिर से खुल के आएगा, क्योंकि नया वर्जन था इसलिए आप लोगों को पुराना वाला डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसलिए मैं नया आपका सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, वो पुराना लिंक हो गया था इसलिए वर्क नहीं कर रहा था, ये नया जो अपडेट आया उसमें ऐसा। तो आपको फिर से वही सेम चीज़ यहाँ भी मिलेगा आपको जो पहले ऐप्स में था। यहाँ पर क्या गया, अपने आधार कार्ड का फोटो कॉपी इस तरह यहाँ खींचे जिससे पूरा चेहरा दिख सके, और फोटो को सेल्फी को भी अच्छे से खींचे जिससे आधार कार्ड से मैच हो सके, ऐसा खींचिए, और नीचे जाके पंजीकरण के लिए आगे बढ़िए। यहाँ से आपको पंजीकरण के लिए आपको आगे बढ़ना है, तो पंजीकरण के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, मतलब स्टेट सेलेक्ट कर लेना है ऊपर में, तो आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए वहाँ पे। तो मैं चलिए यहाँ पे मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा स्टेट पटना पड़ता है, तो मैं बिहार पटना से हूँ, स्टेट सॉरी बिहार पड़ता है, तो मैं बिहार से यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको जिला पूछेगा बिहार में किस ज़िले से हो, तो चलिए आपका जो ज़िला वो सेलेक्ट कर लिए, मेरा जो ज़िला है पटना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपका नीचे वाला तीसरे ऑप्शन में आ जाइए, उसमें गृह पंचायत पूछेगा आपका, मतलब गांव का नाम पूछेगा, तो आप इस गांव का नाम पे यहाँ पे जो भी गांव का नाम उसमें आ जाएगा आप डाल दीजिए वहाँ पर। फिर नीचे आपका मेल फीमेल पूछेगा वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पर जो पिता का नाम है यहाँ पर वही डालिए जो आधार कार्ड में आपका है, दूसरा मत डालिए, अगर मिसमैच हुआ तो नहीं आएंगे। फिर आपका यहाँ पर आधार नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए, और जैसे पहले वीडियो में बताया हूँ उस वीडियो में देख के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं कर सकता हूँ। आपने देख लिया होगा वीडियो देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि पुराना वर्जन हो गया था, गवर्नमेंट ने न्यू एप्स लॉन्च कर दिया था, एप्स वही है बस थोड़ा सा
बढ़ा के मतलब ऊपर ले उसको कर दिया गया है, उसमें तो बग्स थे, बग्स को फिक्स कर दिया गया है और फिर से उसको अपडेट कर दिया गया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यहाँ से लिंक से डाउनलोड कर लिया, आपकी जैसे मैंने बताया हूँ वैसे आप अप्लाई कर लीजिए, आपको 100% बिहार का वो जो बताया हूँ जैसे जैसे ट्रिक बताया हूँ आपको वैसे आप कर लीजिए, 100% आपका 1000 रुपए अकाउंट में 2 से 3 दिन में आपका आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो आप बोले उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कहाँ आया, क्यों आया, कौन सा बैंक में आया, उसका भी वीडियो मैं दे दूंगा। तो चलिए थैंक यू, लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू सो मच, जय।